तैयार होकर जब मैं घर से निकल रही थी गाड़ी बैठने के लिए, तो मेरे अंकल और जो मेरे अगल बगल के, वो देख के डायरेक्ट पूछते हैं कहाँ जा रही है। तो जा रहे हैं घूमने जा रहे हैं, तो कहाँ घूमने जा रही है? अब बहुत रहे क्वेश्चन, किस मतलब किस जगह जा रही है, क्या करेगी वहाँ पे जाके, क्यों जा रही है, मत जाओ, ये सब लड़की लोग को शोभा नहीं देता, ये वो। तो हम बोले कि हमको आप लोग का जवाब देने का अभी कोई शौक भी नहीं है, ना मेरे पास टाइम है, तो आप लोग को जो बोलना है बोलते रहो, हम जा रहे हैं। ऐसा मतलब फील होता है कि हम बड़े हो रहे हैं, बट ये नहीं बोल सकते हैं कि हम महिला बन गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरा 18 साल हो जाता है तो मैं शादी कर लूँ, क्योंकि हो सकता है शरीर के तौर पे मैं रेडी हो गई हूँ बट दिमाग के तौर पे रेडी नहीं हुई हूँ। और ये भी हो सकता है कि अगर हम दिमाग के तौर पे अगर रेडी हैं फिर भी मेरा शरीर नहीं है, मतलब कर रहा है कि मैं शादी करूँ। शादी करने के बाद हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, तो नहीं कह सकते कि 18 के बाद शादी करनी ही है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम शादी किसी के दबाव में आके करें। अगर मैं कंप्लीट हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शादी कर सकती हूँ, तो मैं तभी करूँगी। किसी के दबाव में आके मैं शादी नहीं करना चाहती। अभी तो मतलब 18-19 चल रहा है, तो अभी तो कुछ सोचे नहीं है, लेकिन 2-4 साल के बाद, 5 साल के बाद हो सकता है मेरी शादी हो जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरा एक खुद का घर हो और खुद का 2 दुकानें हो, जो एक मैं चलाऊँगी, एक मेरे हस्बैंड चलाएंगे। मुझे मेरा एक अपना सपना है कि खुद का एक पार्लर खोलूँ और उसमें वो मेरा रहे, मेरी सास, मेरे ससुर, मेरे 2 बच्चे रहेंगे। मैं अपने जो मेरे बेटे और बेटी जो भी होंगे, तो उन लोगों में ना कभी भी मैं फ़र्क नहीं करूँगी, चाहे वो कुछ भी हो, जैसी भी हो, है तो आखिर मेरी ही ना, तो मैं कभी भी उन लोगों में भेदभाव नहीं करूँगी। और उन लोगों को जो बनने का मन होगा वो बनने के लिए दूँगी, जैसे करने का मन होगा वैसे करने दूँगी। अब मतलब एक अपना एक सोच बना के रखी हूँ कि मेरे जो हस्बैंड रहेंगे वो भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करेंगे, हमारी एक बहुत अच्छी फैमिली होगी। उस टाइम का मैं सोचती हूँ, एक अलग दुनिया, जैसे कि सबसे अलग एक टाइम ऐसा था कि मेरा कोई भी सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन अब जिस तरीके से मेरा माइंड डेवलप हुआ है, तो उसके वजह से मैंने अपने घर में भी बहुत कुछ चेंजिंग किया है। अपने अब्बू का सोच, अपनी अम्मी का सोच, उनका बोलने का तरीका, उनका प्यार करने का तरीका, मैं बहुत कुछ चेंज कर दी। उसके बाद से अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अब्बू, मेरी अम्मी मुझे हर जगह पर सपोर्ट करेंगे, हर जगह पर। तो मेरा सपना पूरा होने का लगभग 80% तक चांस है।